हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, एक बार फिर से हम लोग खेलने वाले हैं कार सेलर सिम्युलेटर। तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मेरे पास जितनी भी यहां पर सुपर कार्स रेयर कार्स थी वो सब मैंने बेच दिया था, बस यहां पर एक ही मैंने बचा कर रख लिया था। लेकिन आज भाई हम लोग करने वाले हैं चैलेंज, और उस चैलेंज का नाम है भाई सुप्रा चैलेंज। मतलब कि भाई हम लोग केवल और केवल सुप्रा कार ही कलेक्ट करेंगे और उसी को बेचेंगे, और उसके लिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कार मार्केट, क्योंकि भाई सुप्रा यहाँ पर ना कई कई बार दो तीन आ जाती है एक साथ, तो भाई यहाँ पर से जल्दी कलेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सामने ही एक सुप्रा दिखी मुझे और भाई एक उधर पीछे है, मतलब कि दो सुप्रा मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। और ऑक्शन में क्या होता है कि एक ही मिलती है, वो भी कभी कभी। फिलहाल ये 59,000 की दे रही है, तो इसको मैं ले सकता हूँ 49,000 की या फिर 50,000 की, देखते हैं फिलहाल ये कितने की मिलेगी। ये भाई 59 की दे रही है, तो मतलब कि 40 की भी मिल सकती है, देखते हैं, ट्राई करते हैं भाई 40। अरे यार 40,000 की मिल गई है सुप्रा यहाँ पर, इसको कर देते हैं तो उसके बाद भाई चलते हैं यहाँ पर दूसरी वाली जो अपनी सुप्रा यहाँ पर है उसको खरीदते हैं। और भाई पहली वाली तो काफी ज्यादा सस्ते में मिल गई है, देखते हैं ये कितने में मिलती है। भाई ये भी लगभग 50 तक मिल जाएगी, 75,000 की दे रहा है, 40% डैमेज है, तो ये मुझे दे सकता है भाई 50,000 की। अरे भाई इसने तो मना कर दिया यार, कोई बात नहीं 60,000 की खरीद लेंगे, पैसों की कोई कमी थोड़ी ना भाई हम पर। और भाई इसको तो ड्राइव करके ले चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई देख लेते हैं आगे एक आध तो नहीं है भाई यहाँ पर, आगे एक भी गाड़ी सुप्रा नहीं है, फिलहाल दो ही थी तो दोनों हमने खरीद ली है। और ये वाली भाई लेकर चलते हैं हम लोग अपने शोरूम पर। पहली वाली जो हमने खरीदी थी वो पहले ही पहुंच चुकी होगी भाई, उसको हमने टो करा दिया था, और इसको हम लोग लेकर चलते हैं। और अपना शोरूम जो है भाई काफी ज्यादा दूर है नहीं, मतलब कि पास में ही है एकदम कार मार्केट के, तो भाई इसको सबसे पहले लेकर चलते हैं। ये डैमेज भी है और भाई ये व्हाइट कलर की है, तो इसका कलर भी चेंज करेंगे। और हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अपने मैकेनिक के शॉप पर, और यहाँ पर इसको रिपेयर, इसका कलर चेंज करेंगे और वॉश भी कराएंगे भाई, क्योंकि गंदी भी है, डर्ट बहुत ज्यादा 50% डर्ट है। फिलहाल कलर यहाँ पर मैं इसको यार ब्लू या फिर रेड रेड कर देता हूँ ना, रेड ब्लू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो सभी को अलग अलग कलर करना होगा, तो फिलहाल मैंने इसको कर दिया है रिपेयर भी और कलर भी इसका चेंज करवा दिया है। तो इसको लेकर चलते हैं अपने शोरूम पर। और यार भाई अपने शोरूम में ना 12 गाड़ियों को मतलब एकदम बढ़िया तरीके से खड़ी करने की जगह है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम यहाँ पर 14 या 15 गाड़ियों को मैं खरीदूं और उसके बाद उनको बेचूं। तो भाई फिलहाल तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने गेम शुरू किया तो 180वां दिन चल रहा है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लास्ट में भाई जब सारी गाड़ियाँ कलेक्ट कर लूंगा तो कितने दिन लगे इसमें। फिलहाल के लिए भाई अपनी दूसरी वाली कार लेकर चलते हैं, और इसका भी कलर चेंज कराएंगे और भाई इसको भी जो है करेंगे रिपेयर, क्योंकि भाई कार मार्केट से जो भी गाड़ियां खरीदो ज्यादातर भाई डैमेज ही रहती है। और भाई पिछली वाली कार हमने रेड कलर की थी, तो ये वाली कार हम लोग कर देंगे या तो ग्रीन या फिर येलो, मतलब ग्रीन भी ठीक लेगा येलो भी ठीक लेगा, येलो ही कर देते हैं भाई, नेक्स्ट जो खरीदेंगे उसको ग्रीन कर देंगे। तो भाई यहाँ पर दो गाड़ियां तो अपनी रेडी हो गई हैं, पर अभी यार दो से काम तो चलने वाला है नहीं, यानी कि भाई मतलब पूरा मुझे शोरूम बनाना है, तो उसके लिए भाई काफी ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर लगेंगी। तो फिलहाल ये वाली को लेकर चलते हैं ना, इसको भाई पहले पार्क करेंगे अपना शोरूम के अंदर, उसके बाद हम लोग चलेंगे विलेज। वो क्या है कि कभी कभी विलेज में सुप्रा मिल जाती है और गाड़ियां नहीं मिलती, पर मुझे एक बार सुप्रा मिली थी, तो हो सकता है भाई आज फिर से मिल जाए। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा यार, ज्यादातर वो सस्ती सी एकदम बेकार गाड़ियां ही विलेज में होती हैं, पर यहाँ पर ट्राई करने में क्या जाता है यार, एक बार घूम कर आ ही जाते हैं, क्या पता मिल ही जाए। तो भाई चलते हैं हम लोग विलेज, और गाड़ी लेकर नहीं चलेंगे, बस से चलेंगे, क्योंकि भाई पूरा विलेज घूमने में ना भाई गाड़ी लेकर जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और पैदल रहेगा तो आराम से भाई जल्दी जल्दी हम लोग देखते हुए निकलेंगे, उसके बाद वापस भी आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सामने तो मुझे दिख ही नहीं है, चलो भाई पूरा विलेज छान मारते हैं, हो सकता है एकाध सुप्रा भाई भूले भटके आ ही गई हो और अपना काम हो जाए। वैसे भाई अगर यहाँ नहीं मिली ना, तो मतलब उसका एक ही रास्ता है कि भाई कार मार्केट से ही मिलेगी, पर भाई हम लोग ऑक्शन में भी ट्राई करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर दिख है नहीं रही भाई, यहाँ पर बस वही जो सस्ती गाड़ियाँ होती है ना, वही BMW की जो सस्ती वाली गाड़ी होती है वही यहाँ पर मिलती है, या फिर भाई एक दो और सस्ती गाड़ियां हैं वो मिल जाती हैं, और भाई यहाँ पर मर्सिडीज भी मिल जाती है कभी कभी। और ये कौन सी है भाई, ये तो मुझे वॉक्सवैगन की लग रही है, फिलहाल पता नहीं कौन सी है, मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और यहाँ पर ये मर्सिडीज खड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हो भाई, ये मर्सिडीज C63 होगी शायद, फिलहाल मुझे उससे कोई काम नहीं है, मुझे काम है सुप्रा से, और यहाँ पर एक भी सुप्रा अभी भी दिखाई नहीं पड़ी है। तो मतलब यहाँ पर भाई विलेज में सुप्रा है ही नहीं, हम लोगों को चलना है अब वापस, यानी कि भाई अब चल रहे हैं हम लोग वापस शोरूम पर, और उसके बाद भाई क्योंकि आज तो जो है अपना ऑक्शन भी बंद है, तो मतलब कि आज का दिन का काम हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, इसके बाद हम लोग भाई सोएंगे चलकर। और भाई जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा, यानी कि नेक्स्ट डे होगा ऑक्शन, तो भाई जैसे ही ऑक्शन शुरू होगा तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग भाई अपने ऑफिस पहुँच चुके हैं,
और चूंकि आज का भाई काम हो चुका है तो मतलब यहाँ पर जगने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर हम लोग सो जाते हैं, नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा, सोकर उठेंगे तो उसके बाद भाई हम लोग चलेंगे ऑक्शन पे, क्योंकि भाई ऑक्शन पे चार गाड़ियाँ आती हैं तो कभी कभी ना एक आध सुप्रा भी आ जाती है, तो भाई एक सुप्रा मिल जाएगी वहाँ से तो भी काम हो जाएगा। तो भाई अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सोकर उठ गए हैं और भाई यहाँ पर अपना ऑक्शन शुरू होगा 9 बजे, जो कि इसमें दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग चलते हैं भाई ऑक्शन की तरफ और देखते हैं क्या हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें एक आध सुप्रा मिल जाए। वैसे यार वहाँ ऑक्शन में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पर कोई बात नहीं भाई, मेहनत तो लगनी है, अब चैलेंज ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है तो पूरा कर ही रहेंगे। और हम लोग भाई यार पहुंच चुके हैं अपने ऑक्शन पर, यहाँ से मुझे टिकट परचेस करना है तो भाई टिकट भी मैंने ले लिया है। चलते हैं भाई, बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं अभी ऑक्शन शुरू होने में, और भाई बस अपना ऑक्शन शुरू होने ही वाला है, बस 4, 3, 2 और 1, बस यहाँ पर भाई अपना ऑक्शन शुरू हो चुका है। और यहाँ पर भाई जब तक पहली गाड़ी आ गई है और वो भी एकदम सस्ती सी BMW का बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल, मतलब कि भाई हमें अभी और वेट करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपनी सुप्रा के लिए। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट कार क्या है। भाई नेक्स्ट वाली जो है वो BMW F90, और भाई ये काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ी है, मतलब 62,000 से इसकी ऑक्शन की बिड जो है वो स्टार्टिंग है, मतलब कि भाई ये कम से कम 90,000 तक तो जाएगी इसकी बिड। पर भाई मैं इसको ख़रीदने वाला नहीं हूँ, वैसे अगर मैं ये चैलेंज ना कर रहा होता तो ख़रीद लेता। भाई लैम्बोर्गिनी आ गई है यार, अब भाई मुझे लैम्बोर्गिनी ख़रीदने का दिल कर रहा है, लेकिन अब क्या करें, मतलब कि चैलेंज तो वो ले लिया है, चलो जाने तो बाद में फिर कभी लैम्बोर्गिनी परचेस कर लेंगे, वैसे तो बहुत बार मैंने इसको ख़रीदा है। अभी भाई अपना जो चैलेंज है उससे नहीं हटना है, अपने चैलेंज पर ही फोकस्ड रहना है ताकि भाई जल्द से जल्द अपना चैलेंज पूरा हो जाए, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। और भाई चार के चारों गाड़ियाँ यहाँ पर दिख गई हैं सामने और उसमें से एक भी सुप्रा नहीं है, मतलब कि यार इतनी अच्छी किस्मत तो शुरुआत से ही मेरी इस गेम में नहीं है कि यहाँ पर मुझे एक बार में कोई गाड़ी मिल जाए। पर आप लोग भाई मेरी किस्मत अच्छी कर सकते हैं, मतलब आप वीडियो को लाइक तो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, मतलब इसमें कोई पैसे भी लगने वाले नहीं है। तो भाई यार याद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भाई यहाँ पर कार मार्केट बंद है तो हम लोग सो जाते हैं, और भाई नेक्स्ट डे हो चुका है यहाँ पर, और यार कार मार्केट तो ओपन है आज, पर ये क्या हुआ भाई, मैंने ये दोनों गाड़ियों को तो कलर कराया था भाई, उसका कलर ही उड़ गया। कोई बात नहीं भाई, फिर से करवा देंगे उसमें कलर। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपना कार मार्केट और देखेंगे क्या भाई इस बार भी मुझे 2 या 3 सुप्रा मिलती है या फिर एक भी नहीं मिलती। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पर कार मार्केट, और भाई ओ तेरी यार 2 सुप्रा दिख रही है मुझे यहाँ पर, मतलब भाई एक तो सबसे आगे है, उसके बाद भाई तीसरे नंबर पर भी एक है, मतलब कि 2 मुझे पिछली बार कार मार्केट में मिली थी, 2 मुझे फिर से मिल गई है। यहाँ पर 44,000 की ये दे रहा है, तो यार कितने की दे सकता है ये, वैसे ही काफ़ी कम प्राइस लगाया इसने, तो देखते हैं भाई ये कम से कम मुझे 34 की तो दे ही सकता है ना, काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी है, 40% डैमेज है, इसको टो कर देते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर एक और है तो इसको भी परचेस करते हैं, देखते हैं भाई ये कितने की है, ये है भाई 61,000 की, 61,000 है तो ये कम से कम 50,000 की तो मिल जाएगी भाई, मिल गई आराम से, तो इसको लेकर हम लोग चलते हैं। ओ यार मैं इसको टो कहाँ करा रहा हूँ, इसको तो मुझे जो है ड्राइव करके ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर बस से आया था तो मैं दोबारा से $10 खर्च करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अपना जो शोरूम है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहीं पास में ही है, तो उसको हम लोग लेकर चलते हैं। और भाई मैं सोच रहा हूँ ना इसको जो है वो कलर करवा दूँ या रहन दूँ, करवा ही देते हैं, मतलब कि यार इसको रिपेयर भी करवा देते हैं, साथ साथ में करवाता ही रहूँगा ना, तो बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने भाई मैकेनिक के शॉप पर, यहाँ पर रिपेयर भी होगा, वॉश भी होगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो भाई यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, इस बार मैं करवाने वाला हूँ इसका जो कलर, वो भाई मैं सोच रहा हूँ ना ग्रीन कलर कर दूँ, क्योंकि भाई रेड और येलो मैंने पिछली वाली कार्स करी थी, उसका कलर उड़ गया है, लगता है भाई ग्रीन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई हमने ग्रीन कलर कर दिया है और इसको रिपेयर भी करवा दिया है, तो इसको लेकर चलते हैं भाई अपने शोरूम पर। बस क्या करना है, सीधा बैक करना है, सीधा ही पहुँचेंगे अपने शोरूम पर, क्योंकि भाई ये जो शॉप है वो अपने शोरूम के सीधा सामने एकदम एग्जैक्ट। और भाई फिलहाल यहाँ पर बस हम लोग शोरूम पहुँच चुके हैं, इस गाड़ी को करेंगे खड़ी, उसके बाद भाई यहाँ पर बाहर एक कार अपनी और रखी हुई है, मतलब कि 4 सुप्रा अभी अपने पास हो गई है, पर भाई यहाँ पर 4 से काम चलना नहीं है, आप लोगों को पता ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भी हमें चाहिए, कम से कम 10 और चाहिए, यानी कि 14 गाड़ियाँ कम से कम होनी ही चाहिए। और भाई ये 14 गाड़ियाँ तो भाई मिलने में बहुत टाइम लगेगा और सारी की तो मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, तो मैं सभी को कलेक्ट करके अभी आता हूँ। तो यार भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, आप लोग देख सकते हो भाई डे 180 पे हमने शुरुआत करी थी जब पहली सुप्रा खरीदी थी, और भाई यहाँ पर डे 228 चल रहा है, सभी को खरीदने में, उसको रिपेयर करवाने में, कलर करवाने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टाइम गया है।
तो भाई यहाँ पर मेहनत बहुत लगी है, तो आप लोग यार लाइक करना मत भूलिएगा, मेहनत बहुत लगी है इस वीडियो में। आप लोग देख सकते हो भाई 7-7 14 गाड़ियां यहाँ पर मैंने खरीदी है और सभी का कलर अलग है। फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इसको लगाते हैं भाई सेल पर। पहले 7 एक तरफ की मैं लगाऊंगा सेल पर, उसके बाद वो बिक जाएंगी, उसके बाद 7 एक तरफ की मैं सेल पर लगाने वाला हूँ। और भाई यहाँ पर डबल प्राइस लगाएंगे, जितने में खरीदा है उसके डबल में बेचेंगे। जैसे कि 40 में वाली हमने खरीदी थी तो भाई 80,000 इसका प्राइस मैंने सेट कर दिया है। तो इस बार भाई बारी है नेक्स्ट की, नेक्स्ट है भाई 60,000 की। 60,000 की हमने ली है और इसको भाई हम लोग सेल करने वाले हैं 1,20,000 की। मतलब लगा तो मैं 1,20,000 ही रहा हूँ, अगर 1,00,000 की भी चली गई तब भी 40,000 का प्रॉफिट होगा सिर्फ एक गाड़ी पर। और इसके बाद वाली भाई 34 की है, तो इसको कम से कम 64 लगाएंगे और देखते हैं भाई नेक्स्ट वाली कितने की है। तो यार भाई जो अपनी नेक्स्ट वाली कार है ना वो 50,000 की है। 50,000 की है मतलब कि भाई जाहिर सी बात है हम लोग बेचेंगे इसको 1,00,000 पे, उससे कम मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर 90 तक भी बिक जाएगी तब भी ठीक है। और जो अपनी अगली है भाई वो 49 की है। 49 की है तो कम से कम 99 इसको सेट करेंगे प्राइस। इसके बाद वाली है 58 है, तो भाई 58 है तो कम से कम इसको हम लोग 1,00,000 की तो लगा ही दे, मतलब कि 1,08,000। और भाई देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाली जो है वो है 52,000 की, वो 55,000 की। 55 की है तो भाई इसको 1,05,000। तो मुझे लगता है यहाँ पर 7 गाड़ियाँ जो है वो हो चुकी हैं, मतलब 7 गाड़ियों का प्राइस मैंने सेट कर दिया। तो इसको सेल ऑन कर देते हैं 7ों की, तो भाई एक तरफ की 7 गाड़ियाँ बिक जाएंगी, उसके बाद एक तरफ की 7 बचेंगी तो उसको हम लोग फिर से बेचेंगे। नहीं तो भाई एक साथ ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं ना तो भाई गेम भी जो है वो लैग करने लगता है। तो भाई बस अब इंतज़ार है अपने कस्टमर्स का, बस कस्टमर्स आ ही रहे होंगे। और भाई कस्टमर आ गए हैं यहाँ पर, देख रहे हो आप लोग सभी गाड़ियों के पास एक एक कस्टमर खड़ा है, कहीं कहीं तो 2 भी हैं। तो देखते हैं भाई इधर ये 84,000 की दे रही है, मतलब 55 की थी 84 मैंने बेच दी है, लगभग 30,000 डिसेंट सा प्रॉफिट। यहाँ पर ये 58 की खरीदी है 81 दे रही है भाई ये, इसको हम लोग कर सकते हैं कम से कम 95। और भाई 95 मिल गया यार, क्या ही बात थी। और भाई यहाँ पर ये जो अगला आदमी है ये 82 दे रहा है, 50,000 की है 82 दे रहा है, तो इसको भी हम लोग यार कर सकते हैं 96 की भाई ये ले गया। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद भाई 64,000 ये दे रहा है और ये गाड़ी, अबे भाई यार लगता है गलती से गलत जगह टैप हो गया, 64 की ही बिक गई। और देखते हैं यहाँ पर ये अगली वाली है 84,000, मतलब 60 की खरीदी थी तो 84 दे रहा है। और अरे यार ये भी मैंने गलत टच कर दिया, गलत टच हो जा रहा है भाई, गलत कम प्राइस में चली जा रही है। और यहाँ पर ये 40 की है 80 दे रहा है, तो भाई इसको सीधा सीधा बेचो, बार्गेन करने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही भाई डबल मिल रहा है। और यहाँ पर देखते हैं ये लास्ट वाली है 49 के 78 मिल रहा है, तो इसको भाई हम लोग 98 का ऑफर देंगे और मुझे लगता है दे देगा। और भाई यहाँ पर 98 की बिक गई है, क्या ही बात है भाई, सबसे तगड़ा प्रॉफिट अभी तक हुआ इस पे भाई 50,000 का। तो यार 7 गाड़ियां मैंने बेच दी है सेम कलर की, जैसे कि ये सामने आप लोग देख सकते हैं यही 7ों गाड़ियां थी। और भाई अभी इन 7ों की बारी है, तो चलो भाई इसको भी लगाते हैं सेल पर और इसको भी बेचते हैं, और बढ़िया प्रॉफिट भाई मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भाई ये जो सबसे पहली है वो 52,000 की है, तो इसको 1,02,000 हम लोग सेट करेंगे प्राइस। अगली है भाई 46 की है, तो कम से कम इसको 96। और भाई उसके बाद है 55, तो भाई वही 1,05,000 इसका सेट करेंगे प्राइस। और इसके बाद जो है भाई वो देखते हैं कितने की है, 50,000 की है, तो ये 1,00,000 जाएगी कम से कम, तो भाई देखते हैं इसको 1,00,000 सेट करते हैं। और इसके बाद 68,000 की है, तो देखते हैं भाई ये 68 है तो 1,28,000 की आराम से इसको सेट कर देते हैं प्राइस। इसके बाद भाई 60,000 की है, तो 60,000 को 1,20,000 कर देंगे। और उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट वाली है देखते हैं वो कितने की है, वो है भाई 49 की है। 49 है तो कम से कम इसको 99 तो कर ही देते हैं। और भाई यहाँ से जो अपनी बाकी 7ों गाड़ियाँ बची थी उनका प्राइस मैंने सेट कर दिया, उसका सेल भी ऑन कर रहा हूँ मैं। और अभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे और भाई ये सारी गाड़ियाँ लेकर जाएंगे और मुझे मिलेगा बहुत सारा पैसा। तो भाई देखते हैं यहाँ पर भाई क्या बहुत सारा पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर कस्टमर्स बस आ ही रहे होंगे भाई, आ गए इतने सारे कस्टमर आप लोग देख सकते हो भाई, और ये सारी गाड़ियाँ खरीदेंगे ये सभी। तो चलो भाई देखते हैं ये कितना दे रहा है इस गाड़ी का। 43 की है, 83 दे रहा है, तो इसको 93 करते हैं, मिलेगी या नहीं भाई। 93,000 मिल गया। इसके बाद देखते हैं ये वाली का भाई 55 का है, 81 दे रहा है, तो इसको कम से कम 91 कर देते हैं, 91 तो आराम से मिल ही सकता है। अब देखते हैं भाई ये 91,000 देगा भी या नहीं, भाई दे दिया भाई 91,000। इसके बाद भाई ये 78 दे रहा है, 52 की है, तो इसको कम से कम कर देते हैं 98। भाई 98 इस पर भी मिल गया, मतलब बढ़िया प्रॉफिट हो जा रहा है, ये लोग ज़्यादा मतलब कि झिकझिक नहीं कर रहे हैं, लगता है अमीर पार्टी है।
तो भाई यहाँ पर ये 82 है तो 92 दे दिया है, बहुत सही भाई। इसके बाद भाई यहाँ पर 49 की है, 84 दे रही है ये, तो इसको 94 करते हैं भाई, ये भी गई। इसके बाद भाई दो गाड़ियाँ बची हुई हैं, ये देखते हैं भाई, ये 80,068 की मैंने खरीदी है और भाई ये 80 दे रहा है, तो इसको भाई ज़्यादा बताना पड़ेगा, कम से कम 1,00,000 या नहीं 1,10,000 बताते हैं भाई, देखते हैं मिलेगा या नहीं। और भाई 1,10,000 दे दिए इसने, और देखते हैं। इसके बाद भाई ये 60,000 की खरीदी है, ये 78 दे रहा है, तो इसको कम से कम भाई 1,18,000 नहीं दिया। क्या लगता है भाई कितना ये हम लोगों को दे सकता है, देखते हैं भाई 1,05,000 देखते हैं इतना दे देगा या फिर नहीं। भाई इतना भी नहीं दिया, इसको तो बेचना ही नहीं है। तो अभी देखते हैं दूसरा वाला कस्टमर कितना दे रहा है, 81,000। तो भाई इसको हम लोग बोलते हैं 1,10,000, देखते हैं मतलब ये देगा या नहीं। नहीं दिया भाई, कोई बात नहीं, तू भी जा भाई, बेचना ही नहीं है कम प्रॉफिट पे। तो देखते हैं भाई ये 80,000 इसको भी नहीं देना है, ये 79 बोल रहा है, भाई यार ये तो कम और ही ज़्यादा कम बोल रहा है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ ना इसको कह दूँ भाई 1,00,000 तो ये देने से रहा। अबे भाई दे दिया यार इसने 1,00,000, मतलब सही है यार, मैंने पहले वालों को बेचा होता तो नुकसान हो जाता। तो यार भाई हमने 14 सुपरा कार खरीदी थी और भाई सारी की सारी यहाँ पर हमने बेच दी है लंबे प्रॉफिट पे, और अभी मेरे पास भाई बहुत ही ज्यादा पैसा है, मतलब आप लोग देख सकते हो भाई $278 मिलियन है मेरे पास, मतलब भाई 27 करोड़ से भी ज्यादा पैसे है मेरे पास। तो भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर इसी तरीके से आप किसी पर्टिकुलर गाड़ी की जो चैलेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। तो इसके पहले मैंने लैम्बोर्गिनी की थी, अभी सुपरा करी है, आगे देखते हैं मैं कौन सी कार का चैलेंज करूंगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।